अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो मैंने आलू बॉईल कर लिया है, उसे ठंडा कर छील दिया है और बारिश हो रही है तो मैं गैलरी में बैठकर इसको ये देखिए मैंने सब बटाटों को अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। तो चलिए हम इसमें मसाला डालेंगे। तो इसमें मैं नमक थोड़ा ही डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, बॉईल करने में भी डाली थी, इसमें मैंने नमक डाल दिया है। थोड़ी हल्दी डाल देंगे। ज़ीरा डाल देंगे। भुना कूटा ज़ीरा भी थोड़ा सा डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा। थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, इसका भी टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा ही। अब आप बोलेंगे इसमें गरम मसाला कौन डालता है, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत टेस्टी लगते हैं, आप भी ट्राई करिए। अब इसमें मैं हरी मिर्च डालूँगी। थोड़ी मैंने हरी मिर्च तीखी वाली ली है, आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि हम लोगों को थोड़े तीखे ही पसंद आते हैं ये दही के साथ। तो अच्छा, ये हमने सब डाल दिया है इसमें। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, अजवाइन का भी फ्लेवर बहुत। यहाँ पर मैंने धनिया वॉश करके ले लिया है, बारीक बारीक काट के हम धनिया भी डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक आप चख लीजिए, क्योंकि मैंने बॉईल करने में भी डाला था, इसलिए मैंने थोड़ा ये भी डाला है। और ये आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखना। यहाँ पर मेरा सब मिक्स हो गया है अच्छे से। मैं इसमें थोड़ा चीज़ डालूँगी, चीज़ को मैंने खींच लिया है, ये डालिए आप, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं तो हमेशा डालती हूँ। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आलू का पराठा बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक पेड़ा ले लिया है आटे का, उसको मैं बेल दूंगी। बिस्मिल्लाह। बस हमें इतना ही बेलना है। यहाँ पर मैं आलू की फिलिंग्स भर दूंगी इसमें। कोई दो रोटी का भी बनाता है, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इसको धीरे से प्रेस करिए, हथेली से करिए। अब इसको मैं बेल दूंगी। बिस्मिल्लाह। इसको धीरे धीरे बेल देंगे हम।
यहाँ पर हमारा आलू का पराठा बेलकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन गरम रख दिया, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। और इसमें मैं आलू का पराठा डाल दूँगी। इसको मैं घी में सेकूंगी, ये घी मैंने घर में ही निकाला है। पहले एक साइड से सेक लेने देंगे हम। ये हमारा एक साइड से सेका गया है, हम इसे पलट देंगे। बिस्मिल्लाह। इसको मैं पलट दूंगी धीरे से। इस साइड भी मैं थोड़ा सा घी डाल दूंगी। यहाँ पर हमारा आलू पराठा अच्छा सा सेका गया है। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा बना है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पर हमारा आलू का पराठा तैयार हो गया है। ये टमाटर सॉस और अचार के साथ हम इंजॉय करेंगे। चलो खाने, अल्लाह हाफिज़। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर।